शहीद अब्बास बाबा ही इससे पहले भी उनका शायद जिक्र आया हो, ईरान से गए अमेरिका पायलट की ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये अमेरिका गया पायलट की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, पहले ही दिन जब ये गया, जब उसको कमरा अलॉट किया गया, तो उस कमरे में एक क्रिश्चियन और एक अमेरिकन स्टूडेंट था जो शराबी था, शराबी था। करबला हालात के सामने सरेंडर होना नहीं, बल्कि हालात के सामने रेजिस्टेंस सिखाता है। तो पहले ही दिन शराबी एक नौजवान को उसका रूममेट बनाया गया, तो शहीद अब्बास बाबा ने कहा, जिसने अपनी मां से शराफत का पैगाम सीखा था, कहा देखो मैं मुसलमान हूं और मुसलमानों में भी शिया हूं, और शिया में वो जिसके मां बाप दीनी मसाइल के सख्त पाबंद थे, अगर मेरे साथ रहना है या शराब छोड़ना है या इस कमरे के दो हिस्से हो जाएंगे। कितने? तो वो कहां मानता, तो कहा शहीद अब्बास बाबाई ने, आधा आधा कमरा मेरा है आधा तेरा है, बीच में एक रस्सी बांधी जाएगी, जब तक तू शराब की आदत नहीं छोड़ेगा तब तक ये रस्सी इस कमरे से नहीं हटेगी। एक सरहद, उस सरहद के तरफ तुम और इस सरहद के तरफ मैं, उस सरहद के तरफ तुम शराबी यजीदी, इस तरफ इस सरहद के तरफ मैं क्या हुसैनी। और अजीब है कुछ अरसा गुजर गया, मजबूरन अपने अखलाक की वजह से, बाय फोर्स नहीं, हम गालियां देकर लोगों को क्या मुवल्ली बनाना चाहते हैं, दीनदार बनाना चाहते हैं, गालियां देकर दीनदार बेदीन बनते हैं, बेदीन दीनदार नहीं बनते। गलत बिहेवियर के जरिए दीनदार भी हमारी सफों से दूर भागते हैं, दूर भागने वाले गरीब भी नहीं आते हैं। तो इतना उसके साथ ठीक बिहेवियर किया, एक महीने के बाद उस स्टूडेंट ने मजबूरन उसका अखलाक देखकर, रात के अंधेरे में नमाज़े शब्द सुनकर, रात के अंधेरे में कुरान पढ़कर उसको ऐसा अपने से मुतासर किया, उसने शराब ही छोड़ दी। अगर इंसान को यह एहसास हो जाए, और फिर जब ये पायलट बना, जब ये पायलट बना, अजीब है, जब ये पायलट बना, अब उसको सर्टिफिकेट लेनी थी, जब ये वो जिस अब जो डिपार्टमेंट रहा हो, हायर अथॉरिटी रही हो, उसकी सर्टिफिकेट को जहां साइन होना था ये वहां गया, तो उसके असिस्टेंट ने बाहर रखा, इंतजार करता रहा, इतनी देर में उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा, नमाज का वक्त था, और अंदर से भी इसकी सर्टिफिकेट का क्या साइन हो गए नहीं आया, अंदर से सोचने लगा नमाज पढ़ दिया था, अगर मैं नमाज पढ़ू और हो सकता है ये नाराज हो जाए, मेरी सर्टिफिकेट पर क्या साइन ना करे, वो 3-4 साल की मेहनत जाया हो जाएगी, उधर माँ बाप की तमन्ना है कि मैं यहाँ से पायलट होके निकलूं, और मेरी माँ बाप की आरजू और तमन्ना भी क्या खाक में गिर जाएगी। करबला ही तरबियत थी, कहा चलो जो कुछ होता है मैं खुदा के साथ मामला करता हूँ, और उसने वही वुज़ू किया, उसी ऑफिस में खड़ा हो गया, नमाज पढ़ना शुरू की, नमाज शुरू की, एक रकत पढ़ी, दो रकत पढ़ी, इतनी देर में जो वहां पर ऑफिसर था, प्रिंसिपल था, चेयरमैन था, जो भी था, बाहर निकला, तो अब्बास बाबाई को नमाज पढ़ते ही वो देखा, पता उसने ये नहीं समझा ये नमाज पढ़ रहा, उसने देखा ये अजीब गरीब हरकतें कर रहा है, देखता रहा, जब तक शहीद अब्बास बाबाई ने सलाम किया तो उसकी तरफ नजर की, सलाम खुदा की नमाज में सलाम पढ़ा, उसकी तरफ नजर की, उसको भी सलाम किया, कहा अब्बास क्या कर रहे थे, कहा मैं मुसलमान हूं। ये टाइम वो है जहां हमें अपने खाने की बारगाह में हाजिरी देनी होती है और नमाज पढ़नी होती है, ये वो टाइम था जो नमाज पढ़ने का, मैं नमाज पढ़ रहा था, कहा अच्छा मैं आपकी फाइल पर साइन करने से पहले मुझे एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मिली थी कि ये रात के अंधेरे में दोपहर में सुबह उठकर अजीब गरीब हरकतें करता है, उठता है, बैठता है, किसी खान के टुकड़े पर क्या सर रखता है, तो इसका मतलब है तुम उस कॉलेज के कमरे में यही काम करता था, वो लोग आपके बारे में मिस इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ये पायलट अजीब गरीब इंसान है, रात के 3 बजे उठता है, दोपहर में भी क्या अजीब गरीब
नमाज पढ़ता था, मरहबा ग्रेट, वहीं जाकर उसकी सर्टिफिकेट भी साइन किया। जब इंसान खुदा के साथ मामला करता है, बंदगान खुदा को, बंदगान खुदा के दिल इंसान के फेवर में करना।